हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉर्न हस्क के यूज से बनी हुई ब्यूटीफुल फिश और प्यारी सी क्यूट सी फ्लावर बुके। तो इसके लिए देखिए, मैंने कॉर्न हस्क का यूज़ किया है और इसको मैं बहुत ही इजीली पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। इसके लिए सीजर की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, बस सेंटर से हमने इसको कट किया, थोड़ा कॉर्नर से कट किया। अब इसकी जो पेटल्स हैं उसको हम फोल्ड कर देंगे टू पार्ट्स में। देखिए, जैसे हमने फोल्ड कर दिया, अब एक पेटल को उठा के उसके बीच में साइड में हम दूसरी पेटल को रख देंगे। ऐसे ही मैंने 4 पेटल्स लिए हैं और सबको एक साथ बगल बगल में रखते गए हैं। बस देखिए कितनी ईजली बन रही है ये। अब बस इसको राउंड घुमाया और ये फर्स्ट वाली को लास्ट वाले के अंदर हमने फिक्स कर दिया, फंसा दिया। अभी देखिए, आपको वायर दिख रही होगी, ये वायर्स आप गेस करिए किस चीज़ की हैं। जी नहीं समझ पाए ना क्या है, ये वायर्स हैं हमारे घर पे जो कैलेंडर्स आते हैं न्यू ईयर के टाइम पे, सबके घर पे बहुत सारे कैलेंडर्स हो जाते हैं, तो उस कैलेंडर के ऊपर एक वायर होती है जिससे वो स्ट्रेट रहता है। मैंने यहाँ पे उस वायर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम किसी वेस्ट चीज़ को यूज़ कर सकते हैं वायर की जगह पे, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि कौन सी चीज़ का हम और यूज़ कर सकते हैं। उसको थ्रेड से सिक्योर करने के बाद में पेटल्स को वहाँ पे हम ग्रीन टेप की हेल्प से इसको पूरा कवर कर देंगे। ज़्यादा हम नीचे तक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि जो हमारी बुक है वो हम छोटी सी बनाएंगे, स्मॉल सी। तो बस ऐसे ही देखिए, मैंने एक और रेडी कर लिया है। कितना क्यूट और कितना ईजी है। देखिए, बस हमको ध्यान थोड़ा सा ये देना है कि लास्ट में जहाँ पे हमारा टेप ख़त्म होगा वहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि हमारा बार बार यहाँ से खुले नहीं, लगाने से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब मैंने एक्रेलिक कलर की हेल्प से, देखिए मैंने एक्रेलिक कलर लिया, इसकी हेल्प से हम किसी भी ब्रश से, आप घर पर जो अवेलेबल हो, नो मैटर कि ये किस साइज़ का हो, आप उससे यूज़ करके इसमें बस एक साइड पे आपको कलर करना है। जैसे स्काई ब्लू कलर किया है वैसे ही अब हम ऑरेंज कलर कर लेंगे और हस को थोड़ा सा ड्राई करने के बाद में वैसे ही फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने पहले 2 बनाए थे। बस इस बार हम स्काई ब्लू कलर का बनाएंगे। बहुत ही ईजिली फ्रेंड बन जाता है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब जो है ऑरेंज कलर, इससे हम पेटल्स को कट कर लेंगे। पेटल्स आप किसी भी शेप की कट कर सकते हैं, जैसा आपको फ्लावर बनाने का मन करे आप उस अकॉर्डिंग पहले कार्डबोर्ड पे रख के शेप बना लेंगे पेटल की, उसके बाद हम उसे कट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए, हमने पोलिंस का यूज़ किया है बीच में लगाने के लिए फ्लावर के। हाँ, मैं 5 पोलिंस का यूज़ कर रही हूँ। इसको हाफ करके पेटल पे लगा दूँगी। ऐसे ही और वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके, जैसे जूट, घर में रखे हुए वेस्ट जूट और घर में रखे हुए वेस्ट ओल्ड वूलन का यूज़ करके मैंने काफ़ी चीज़ें पहले शेयर करी हुई है वीडियो आपके साथ, तो उसका मैं आई बटन में लिंक आपको दूंगी, वहाँ से ज़रूर विजिट करिएगा। बस देखिए, हम इसको सिक्योर कर दे रहे हैं। यहाँ पे यानी मैंने वायर्स का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जितना भी वेस्ट हो, मोस्टली वेस्ट का यूज़ करके हम चीज़ों को बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर बना दें। तो फ्लावर वायर्स होती हैं उनका तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन ये अदर ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि अगर आपके पास फ्लावर वायर ना हो तो आप इसका यूज़ करके इजीली बना सकें। अब देखिए, बस हम बगल बगल में लीव पेटल्स को रखते जा रहे हैं और हमारा फ्लावर्स कंप्लीट हो जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने 3 स्मॉल पेटल्स का यूज़ किया है। अब मैंने बिग पेटल लगाई थी, उसके बाद फिर से एक बिग पेटल का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के हम एक एक पेटल इसके बगल में ऐसे ही रखते जाएंगे और पूरा फ्लावर हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद बस जैसे हमने पहले ग्रीन टेप का यूज़ किया था, वहाँ पे पहले थ्रेड से सिक्योर करने के बाद में हम ग्रीन टेप से रैप कर देंगे इसको और हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप आइडिया देख रहे होंगे कि हम किस तरह से अपने घर में जो हस्क का कॉर्न आता है उसके हस्क को हम फेंक देते हैं नॉर्मली, लेकिन उससे भी हम कितना अच्छा फ्लावर बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक छोटी सी लीफ की शेप दी है, थोड़ा सा इसको और अच्छा लुक देने लगे के लिए इसको साइड में मैं रखूँगी दोनों को, और यहाँ पर फिर से मैं इसको ग्रीन टेप की हेल्प से रैप कर दूँगी। अब ये भी आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको दूसरी शेप भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमारी फ्लावर्स जितने भी थे सब रेडी हो गए। अब जो स्मॉल वाला फ्लावर था मैंने उसको थोड़ा सा आगे रखा है बिग वाले के, और पहले हम इसको यहाँ पे भी थ्रेड की हेल्प से एक नॉट लगाएंगे ताकि हिले ना,
फिर इसको राउंड राउंड घुमाते हुए फाइनली नॉट लगा के हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिर जो हमारे बचे हुए वाइट वाले जो दो फ्लावर्स हैं उनको भी साइड में रखेंगे एकदम बगल बगल में और उनको भी यहीं पे फिक्स कर देंगे थ्रेड की हेल्प से। देखिए हमने अब दोनों फ्लावर्स को रखा बगल बगल और फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखिए ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने छोटे से पीसेस कट किए हैं और उसको ग्लू गन की हेल्प से मैंने ग्लू लगा के थोड़ा सा उसके ऊपर रखा। देखिए और बस उसको कवर करना है मुझे कि ये थ्रेड्स इसके दिखाई ना दे ताकि लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लगे और इसके ऊपर थोड़ी थिकनेस भी आ जाए तो बहुत ही ईजिली चिपक जाता है। देखिए ये पेस्ट हो गया है यहाँ पे। अब सेम इतना बड़ा एक पीस और लिया है और इसके ऊपर और रैप कर देंगे थिकनेस के लिए। उसके बाद देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। फिर एक छोटे छोटे पीसेस मैंने और कट किए हैं ऊपर छोटे से डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे ही लीफ की डिज़ाइन देने के लिए इसको थोड़ा सा उसको भी हम ग्लू गन की हेल्प से ग्लू लगा के थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखिए जब हमने एक नीचे रखा है तो ऊपर से वो दो पार्ट्स में डिवाइड है इसलिए ऊपर से भी खुल रहा था तो बीच में से फिर से मैंने ग्लू लगा दिया है वहाँ पे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, छोटा सा क्यूट सी बुके आपको कैसी लगी। अब बस देखिए हम इसको थोड़ा सा खोल देंगे फ्लावर को और मैं चाह रही थी मेरी बुके जो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो बड़ी ना हो इसलिए जो एक्स्ट्रा वायर थी मैंने उसको नीचे से फोल्ड कर दिया है। उसके ऊपर भी मैंने हर्स को कवर कर दिया है पतला सा स्ट्रिप काट के। अब आप ये देखिए क्या है, ये देख के मैं सरप्राइज हो गई थी। जब मैं अपने कॉर्न को छिल रही थी तो मैंने देखा कि इस एकदम फिश की शेप की एक छोटे छोटे कॉर्न निकले उसमें से। तो फर्स्ट वाला जो था वो तो मैंने एक्साइटमेंट के चलते उसको खोल डाला पूरा ख़राब कर दिया, उसमें बेबी कॉर्न था अंदर। फिर जो और निकले मैंने उसको रख लिया तो मैंने सोचा इसके साथ कुछ किया जाए तो मैंने इससे फिश बनाई है। देखिए मैंने इसको कलर कर दिया है और कलर करने के बाद देखिए कितनी ईजिली बन जा रही है। बस कुछ नहीं किया है, बस उस पर आइस बनाई है और जिगजैग लाइन बना दी और एकदम फिश लग रही है ना ये। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बुके रेडी। थैंक्स।